चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की सूचना आपको सहजता से प्राप्त हो सके। हाथरस जनपद में जिला मुख्यालय हाथरस से 34 किलोमीटर पूर्वोत्तर की ओर बसा, वर्तमान में हाथरस जिले की 4 तहसीलों में एक सिकंदरा राव। हाथरस से सड़क मार्ग द्वारा सिकंदरा राव पहुंचने पर सर्वप्रथम पंत चौराहा से साक्षात्कार होता है। यह चौराहा सिकंदरा राव शहर का सबसे व्यस्त एवं महत्वपूर्ण चौराहा है। यहाँ दक्षिण पश्चिम की ओर का मार्ग हाथरस मथुरा, उत्तर पूर्व की ओर का मार्ग कासगंज बरेली, उत्तर पश्चिम में अलीगढ़ एवं दक्षिण पूर्व में सड़क एटा की ओर प्रस्थान कर जाती है। उत्तर पश्चिम में अलीगढ़ की ओर जाने वाला राजमार्ग अलीगढ़, बुलंदशहर, दिल्ली इत्यादि महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। इसी मुख्य मार्ग पर विकासखंड कार्यालय, फौजदारी एवं दीवानी न्यायालय एवं सिकंदरा राव की तहसील का आधुनिक परिसर स्थापित है। पंत चौराहा से दक्षिण पूर्व में एटा जीटी रोड पर सिकंदरा राव शहर की मुख्य आबादी क्षेत्र बसा हुआ है। सिकंदरा राव के नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में 59,000 की विशालकाय जनसंख्या निवास करती है। यह जनसंख्या के दृष्टिकोण से अलीगढ़ मंडल का छठा एवं हाथरस जनपद में हाथरस के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र है। जीटी रोड पर ही जवाहरलाल नेहरू पार्क एवं नगरपालिका परिषद सिकंदरा राव का प्रशासनिक कार्यालय स्थापित है। नगरपालिका के निकट नया बाजार एवं पुरानी सब्जी मंडी तिराहा से मुख्य बाजारों में प्रवेश किया जाता है। जीटी रोड पर दोनों ओर उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। अंग्रेजों द्वारा 1803 में जिला प्रणाली लागू करने पर सिकंदरा राव को अलीगढ़ जनपद में सम्मिलित किया गया। इसे तहसील का दर्जा प्रदान किया गया और 194 वर्षों तक यह अलीगढ़ जनपद की एक तहसील के रूप में ही पहचाना गया। 1997 में सिकंदरा राव को नवसृजित जनपद हाथरस से जोड़ दिया गया। जीटी रोड पर एटा की ओर बढ़ते हुए एक और मुख्य चौराहा जलेसर चौराहा स्थित है। जलेसर चौराहा से उत्तर में एक सड़क जीएस हिंदू इंटर कॉलेज की ओर एवं दक्षिण की ओर जाने वाली एक मुख्य सड़क पुरदिल नगर होकर जलेसर की ओर प्रस्थान कर जाती है। जलेसर चौराहा पर ही सिकंदरा राव का कोतवाली परिसर स्थापित है। जलेसर चौराहा से जीटी रोड दक्षिण पूर्व की ओर रेलवे लाइन को पार करके एटा कानपुर की ओर प्रस्थान कर जाता है। इसी मार्ग से सटा हुआ सिकंदरा राव का रेलवे स्टेशन स्थित है, जहां से मथुरा जंक्शन को कासगंज जंक्शन से जोड़ने वाली रेलवे लाइन गुजरती है। जीटी रोड पर नगर पालिका के निकट उत्तर की ओर नया बाजार प्रारंभ होता है। नया बाजार के पश्चिम में रोशनगंज बाजार स्थित है। नया बाजार से पूर्व में बड़ा बाजार प्रारंभ होता है। बड़ा बाजार में भी अनगिनत उच्च स्तरीय व्यापारिक प्रतिष्ठान स्थापित हैं। बड़ा बाजार के मध्य में स्थित राठी चौराहा से उत्तर की ओर पुरानी तहसील रोड बाजार एवं दक्षिण में पुरानी सब्जी मंडी बाजार जीटी रोड से जुड़ जाता है। पुरानी तहसील रोड उत्तर की ओर मोहल्ला मटकोटा एवं आर्य कन्या इंटर कॉलेज के निकट से गुजरते हुए पुरानी तहसील के निकट पहुंचता है, जहां पंत चौराहा से आने वाला मुख्य पुरानी तहसील रोड इस मार्ग से आकर जुड़ता है। पूर्व समय में सिकंदरा राव शहर में 2 सिनेमाघर भी संचालित होते थे, जो दर्शकों की कमी के चलते वर्तमान में पूर्णतः बंद पड़े हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सिकंदरा राव नगर पर बना यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपने उन मित्रों एवं प्रियजनों के साथ शेयर करें, जो सिकंदरा राव शहर एवं सिकंदरा राव तहसील क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। मुझसे सीधा जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर अकाउंट ध्रुव एम्पायर को फॉलो कर लें। आपसे मुलाकात होगी अगले ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक आपका मित्र मैं ध्रुव वर्मा आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।